21 नंबर पर है। डेडेवल 2003 में आया था। रेटिंग 5.3, बजट था 374 करोड़, कलेक्शन था 859 करोड़, फिल्म को सुपरहिट टैग मिला था। नंबर 22 पर है गिगली, 2003 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 2.6, बजट था 360 करोड़, कलेक्शन था 33 करोड़ और फिल्म था डिजास्टर। नंबर 23 पर है पेचेक, 2003 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.3, बजट था 288 करोड़, कलेक्शन था 561 करोड़ और फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर 24 पर है सर्वाइविंग क्रिसमस, 2004 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 5.4, बजट था 203 करोड़, कलेक्शन था 67 करोड़ और फिल्म था डिजास्टर। नंबर 25 पर है जर्सी गर्ल, 2004 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.2, बजट था 158 करोड़, कलेक्शन था 107 करोड़, फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 26 पर है इलेक्ट्रा, 2005 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 4.7, बजट था 189 करोड़, कलेक्शन था 210 करोड़ और फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 27 पर है मैन अबाउट टाउन, 2006 में आया था। रेटिंग 5.5, बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल और फिल्म था एवरेज। नंबर 28 पर है हॉलीवुड लैंड, 2006 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.5, बजट था 63 करोड़, कलेक्शन था 72 करोड़ और फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 29 पर है स्मोकिंग असेस, 2006 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.6, बजट था 77 करोड़, कलेक्शन था 258 करोड़, फिल्म को हिट का टैग मिला था। नंबर 30 पर है स्टेट ऑफ प्ले, 2009 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.1, बजट था 288 करोड़, कलेक्शन था 422 करोड़ और फिल्म को सेमी हिट का टैग मिला था। नंबर 31 पर है एक्सट्रैक्ट, 2009 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.1, बजट था 38 करोड़, कलेक्शन था 47 करोड़ और फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 32 पर है द टाउन, 2010 में आया था। रेटिंग 7.5, बजट था 169 करोड़, कलेक्शन था 704 करोड़, फिल्म को सुपरहिट का टैग मिला था। नंबर 33 पर है द कंपनी मैन, 2010 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.7, बजट था 68 करोड़, कलेक्शन था 36 करोड़, फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 34 पर है आगो, 2012 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.7, बजट 237 करोड़, कलेक्शन 1241 करोड़ और फिल्म था ब्लॉकबस्टर। नंबर 35 पर है टू द वंडर, 2012 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 5.8, बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल, फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 36 पर है रनर रनर, 2013 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 5.6, बजट था 169 करोड़, कलेक्शन था 350 करोड़, फिल्म को हिट का टैग मिला था। 37 नंबर पर है गॉन गर्ल, 2014 में आया था। रेटिंग 8.1, बजट था 378 करोड़, कलेक्शन था 2287 करोड़, फिल्म था ब्लॉकबस्टर। नंबर 38 पर है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.4, बजट था 2005 करोड़, कलेक्शन था 5830 करोड़ और फिल्म था ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। नंबर 39 पर है द अकाउंटेंट, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.3, बजट था 292 करोड़, कलेक्शन था 1030 करोड़, फिल्म था ब्लॉकबस्टर। नंबर 40 पर है लाइव बाय नाइट, 2016 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.4, बजट था 431 करोड़, कलेक्शन था 146 करोड़, फिल्म था डिजास्टर। नंबर 41 पर है जस्टिस लीग, 2017 में आया था। रेटिंग 6.1, बजट था 2010 करोड़, कलेक्शन था 4400 करोड़ और फिल्म था ब्लॉकबस्टर। नंबर 42 पर है ट्रिपल फ्रंटियर, 2019 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 6.4, बजट था 351 करोड़, कलेक्शन था 809 करोड़, फिल्म को सुपरहिट का टैग मिला था। नंबर 43 पर है द लास्ट थिंग ही वांटेड, 2019 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 4.3, बजट था 374 करोड़, कलेक्शन था 765 करोड़ और फिल्म को हिट का टैग मिला था।
नंबर 44 पर है द वे बैक 2020 में आया था। रेटिंग 6.7, बजट था 183 करोड़, कलेक्शन था 114 करोड़ और फिल्म को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर 45 पर है द लास्ट ड्यूल 2021 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 7.4, बजट था 745 करोड़, कलेक्शन था 223 करोड़ और फिल्म था डिजास्टर। नंबर 46 पर है द टेंडर बार 2021 में आया था। रेटिंग 6.7, बजट नॉट अवेलेबल, कलेक्शन नॉट अवेलेबल, फिल्म था एवरेज। नंबर 47 पर है डीप वाटर 2022 में रिलीज हुआ था। रेटिंग 5.4, बजट था 702 करोड़, कलेक्शन था 422 करोड़ और इस फिल्म को फ्लॉप टैग मिला था।